हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा टोटल 1913 असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के रिक्रूटमेंट के लिए एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है। ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पोस्ट एडवर्टाइज किया गया है, वो जो आपका जो राजस्थान के अंतर्गत जो डिफरेंट कॉलेज आते हैं, जैसे डिफरेंट डिसिप्लिन, जैसे आपका साइंस हो गया, आर्ट्स हो गया, कॉमर्स प्लस जो आजकल BSc एग्रीकल्चर का जो पढ़ाई हो रहा है, उसके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट के रिक्रूटमेंट के लिए एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है। ये वीडियो जो है आपका पर्टिकुलरली जो एग्रीकल्चर के डिफरेंट डिसिप्लिन के लिए जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पोस्ट है उसके लिए है। तो आगे आप देख सकते हैं कि जो आपका एग्रीकल्चर के, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, जो 40 नंबर से लेके आपका 48 तक जो है एग्रीकल्चर के डिफरेंट डिसिप्लिन, जैसे आपका एनिमल हस्बेंड्री हो गया, एंटोमोलॉजी, एग्रोनॉमी, इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, लाइव स्टॉक, प्लांट पैथोलॉजी, सॉइल साइंस, तो आपको यहाँ पूरा डिटेल दिया गया है कि किस एग्रीकल्चर के किस सब्जेक्ट में कितना वैकेंसी जारी किया गया है राजस्थान पब्लिक सर्विस। जैसे अब एंटोमोलॉजी के टोटल 1 पोस्ट के लिए रिटायरमेंट जो जनरल कैटेगरी के लिए आपका है, उसी तरह एनुअल हस्बेंड्री के 2 नंबर पोस्ट के लिए, जिसमें जो 1 जो है जनरल कैटेगरी का प्लस 1 जो जनरल कैटेगरी वुमेन के लिए रिजर्व है। उसी तरह एग्रोनॉमी के लिए जो टोटल 3 नंबर पोस्ट के लिए एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है, जिसमें 1 जनरल कैटेगरी, 1 वुमेन जो जनरल कैटेगरी के उनके लिए प्लस 1 OBC कैटेगरी के लिए। उसी तरह एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के लिए 1 पोस्ट के लिए जो जो जनरल कैटेगरी के वुमेन उसके लिए रिजर्व है। प्लस एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का जो है देख सकते हैं 1 पोस्ट के लिए एडवर्टाइजमेंट जारी किया है जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए है। हॉर्टिकल्चर का जो हॉर्टिकल्चर में जो टोटल 3 नंबर पोस्ट के लिए रिटर्न जारी किया, जो आपका 1 पोस्ट जो है जनरल कैटेगरी के लिए है, प्लस 1 जो जनरल कैटेगरी वुमेन के लिए, प्लस 1 OBC के लिए है। उसी तरह लाइव स्टॉक का टोटल 1 नंबर पोस्ट जो जनरल कैटेगरी के लिए है, प्लस प्लांट पैथोलॉजी टोटल 2 नंबर पोस्ट के लिए रिटर्न जारी किया गया, जो 1 जनरल कैटेगरी, 1 वुमेन के लिए रिजर्व है। और जो सॉइल साइंस के लिए है, उसमें टोटल 2 नंबर पोस्ट के लिए रिटायरमेंट जारी किया गया है, 1 जनरल प्लस 1 जनरल वुमेन कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है। आगे आप देख सकते हैं कि ये जो पोस्ट एडवर्टाइज किया गया है, उसके लिए क्या एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ताकि जो कैंडिडेट्स इस एग्जामिनेशन के लिए या इस पोस्ट के लिए अप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं उनके लिए। तो आगे यहाँ देख सकते हैं कि जो ये इसके जो इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, उनके लिए उनके पास एटलीस्ट मास्टर डिग्री होना चाहिए, एटलीस्ट विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स, प्लस साथ ही साथ आपका नेट क्लियर होना चाहिए। जो ये नेट एग्जामिनेशन जो है एनुअली जो आपका ICAR के द्वारा, UGC के द्वारा लिया जाता है, अगर प्लस दिया गया है। प्लस साथ ही साथ जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आप देख सकते हैं, सेकेंड पॉइंट जो है आपका कि आपके पास हिंदी रिटेन देवनागरी स्क्रिप्ट में आपके पास अच्छा नॉलेज, वर्किंग नॉलेज होना चाहिए। प्लस साथ ही साथ आपको राजस्थानी कल्चर का भी नॉलेज, मतलब ज्ञान होना चाहिए। प्लस आगे आप देख सकते हैं कि जो ये पोस्ट एडवर्टाइज किया गया है असिस्टेंट प्रोफेसर का डिफरेंट एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट के लिए, वो जो है आपका लेवल 10 का पोस्ट है, यहाँ देख सकते हैं आप। प्लस जो इसका पे स्केल और ग्रेड पे यहाँ पूरा डिटेल दिया गया है। प्लस जो एज क्राइटेरिया रखा गया है, वो मिनिमम 21 ईयर्स है, प्लस मैक्सिमम 40। कहने का मतलब ये हुआ कि जो 21 to 40 ईयर के बीच में जो भी कैंडिडेट्स या जो भी एप्लीकेंट्स बिलोंग करते हैं, वो इस फॉर्म को भर फिलअप कर सकते हैं। प्लस जो आपका राजस्थान गवर्नमेंट के अकॉर्डिंगली जो है आपका यहाँ जो एज क्राइटेरिया में आपको रिजर्वेशन भी दिया जा रहा है, कि तो इसका पूरा डिटेल यहाँ दिया गया है कि किस कैटेगरी के कैंडिडेट्स को कितना किस कितनी ईयर का रिजर्वेशन है, तो आप यहाँ पूरा डिटेल देख सकते हैं। आगे आप देख सकते हैं कि जो आपका जो ये आवेदन अवधि, जो आपका टेंटेटिव जो डेट रखा गया है एप्लीकेशन फिलअप करने का, जैसे आपका जो इसका लास्ट डेट जो आपका रखा गया है 25 जुलाई 2023 तक है। प्लस ये जो एग्जामिनेशन का जो मोड है आपका ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन लिया जाएगा। इसके जो प्रश्न होंगे, मतलब जो क्वेश्चन आपका होगा, वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। और आगे आप देख सकते हैं कि ये जो पोस्ट एडवर्टाइज किया गया है, उसका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होगा। तो ये जो आपका एग्जामिनेशन जो होगा असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसमें दो टू स्टेज एग्जामिनेशन लिया जाएगा। फर्स्ट जो आपका रिटेन होगा, जो रिटेन में क्वालिफाई किया उनको इंटरव्यू के लिए कॉल किया है। तो जो रिटेन एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है यहाँ पूरा दिया गया है कि आपका इसमें 3 पेपर्स होंगे। फर्स्ट जो है आपका सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना है उससे रिलेटेड 55 मार्क्स का होगा, प्लस 3 आवर्स का होगा। फिर सेकेंड पेपर आपका
उसी सब्जेक्ट कंसर्न भी पोस्ट वो भी 75 मार्क्स प्लस 3 प्लस 1 पेपर जो है आपका राजस्थान का जनरल स्टडीज से रिलेटेड है जिसमें टोटल 50 मार्क्स का होगा प्लस 2 आवर्स का। तो इस तरह से टोटल मिलाकर 200 का मार्क्स लिया जाता मार्क्स लिया जाए 200 मार्क्स का एग्जाम लिया जाएगा। जो भी कैंडिडेट इससे रिटर्न एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर उनको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा और इंटरव्यू जो है आपका 24 मार्क्स का होगा। तो टोटल जो है आपका मिला के 224 मार्क्स का होना है। जो भी इसमें और फाइनली जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे उनको फाइनली अपॉइंटमेंट लेटर प्रोवाइड किया जाएगा। प्लस जो सिलेबस जो है आपका डिटेल जो है आपका आरपीएससी की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। तो वो कैंडिडेट जो भी अप्लाई करने जा रहे हैं वो आप सिलेबस आरपीएससी की वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं। उसके अलावा जो भी डिटेल में आपको जानकारी अगर आपको लेना है कि और भी रिलेटेड जैसे कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको चाहिए प्लस किस कैटेगरी में क्या किस कितनी ईयर का आरक्षण है प्लस सिलेबस हो गया, तो इससे रिलेटेड जो भी आपको डिटेल में वो आरपीएससी की वेबसाइट पर आप जाकर देख सकते हैं या हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारे पर्सनल जो नंबर है 8825186884 पे हमें मेल भी कर सकते हैं pawan.btag@gmail पे। हमारे यूट्यूब चैनल के कमेंट ऑप्शन में जाके कमेंट भी कर सकते हैं।